अगर गूगल एडसेंस की तरफ से आपको सिंगापुर टेक्स्ट का ये मैसेज आ चुका है और आपको टेंशन हो रही है कि इसका क्या करना है, तो आज के वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूबर है, अपनी ब्लॉग वेबसाइट चला रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये आपकी इनकम पे कितना इफेक्ट डालने वाला है उसी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप इस चीज को मिस कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में जाना है, यहाँ पे पेमेंट्स में क्लिक करेंगे, उसके अंदर पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा, और उसके बाद जब आप पेज को नीचे करेंगे तो मैनेज सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद पेज को आपने नीचे करना है, यहाँ पे सिंगापुर टैक्स इन्फो की ऑप्शन मिल रही है, एडिट पे क्लिक करेंगे, मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा एड टैक्स इन्फो, यही बटन आपको बाहर भी मिल रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास लिखा आ रहा है एडसेंस फॉर यूट्यूब, मेरे पास यूट्यूब का भी गूगल एडसेंस अकाउंट है, प्लस मेरी जो वेबसाइट है उसका भी मेरे पास गूगल एडसेंस अकाउंट है, और दोनों में मुझे सेम मैसेज आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे YouTube की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडसेंस इंडिया लिखा है, जैसे ही मैं YouTube के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सिंगापुर वाला मैसेज रिमूव हो चुका है। तो इससे ये तो कंफर्म हो चुका है कि अगर आपका YouTube का सिर्फ चैनल है, आपकी ना कोई ब्लॉग वेबसाइट है, तो आपको सिंगापुर टैक्स इन्फो फिल करने की जरूरत नहीं है। पर जिनकी ब्लॉगर या वर्डप्रेस में वेबसाइट है और गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, वो इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करे। अब आपने इसको कैसे फिल करना है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड रेडी रखें, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एड टेक्स्ट इन्फो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सिंगापुर का आपको एक मैसेज आ रहा है, उसके नीचे आपको बटन मिल रहा है एड टेक्स्ट इन्फो का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रही है बिजनेस टाइप, मेरा इंडिविजुअल है, आपका अगर इसमें से कोई भी बिजनेस है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मोस्टली आप ब्लॉगर या वर्डप्रेस में वेबसाइट चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका इंडिविजुअल होगा, इसको आपने सिलेक्ट करना है। क्या आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है सिंगापुर में? मेरी नहीं है, मैंने नो कर दिया। अगर आपकी है तो आप इसे यस करें। उसके बाद आपने पेज को थोड़ा सा और नीचे करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने सिंगापुर में GST को रजिस्टर करा है या नहीं। मैंने नहीं करा तो मैंने नो कर दिया, अगर आपने करा है तो उसे यस कर दे, ये ऑप्शनल है, इसको ऐसे ही रहने दे। अब यहाँ पे बारी आती है टेक्स्ट एक्सटेंशन की, अब यहाँ से आपको यस करना है। यस क्यों करना है मैं आप उसका प्रूफ दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यस करते ही ये इंडिया पे सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ से जिस कंट्री में भी रहते हैं फ्रेंड्स, आपको यस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार अपनी कंट्री को यहाँ पे सर्च जरूर करें। अब यहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ टैक्स रेजिडेंसी, और इसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगी, आपने फर्स्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदर डॉक्यूमेंट। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना पैन कार्ड रेडी रखेंगे, अब पैन कार्ड आपका PNG, PDF और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG इस फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यही सेम चीज यहाँ पे मेंशन भी है, आपके सिर्फ ये फॉर्मेट होने चाहिए, अगर इसके अलग फॉर्मेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा। अपलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैंने अपने पैन कार्ड को PDF में कन्वर्ट करके रखा है, तो मैं यहाँ से उसे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद अब नीचे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है एक्सपायरी की, कि जो मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करा है क्या उसकी एक्सपायरी है। पैन कार्ड की बिल्कुल भी एक्सपायरी नहीं होती, तो यहाँ से आप इसे नो कर देंगे। मैं इसे नो करूंगा और उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका काम यहीं पे खत्म हो गया। पर इसको आप 21st से पहले कर ले, नहीं तो आपकी पेमेंट होल्ड पे जा सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जिसके नाम से आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल है उसी के नाम का आपने पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, इस चीज का आप खास ध्यान रखें। अगर उनके नाम का पैन कार्ड नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप पैन कार्ड बनवा ले, विदिन 10 डेज के अंदर आपके बिलिंग एड्रेस पे आपका पैन कार्ड डिलीवर हो जाएगा।